हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया मंथ हमारे लिए आ रहा है नवंबर का, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आपको अपना मून साइन, राइजिंग साइन, नॉर्थ नोड नहीं पता है तो अगर आपका जोडियक साइन स्कॉर्पियो में है तब भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। मेरी जो सारी रीडिंग्स होती हैं वो सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए होती हैं। तो स्कॉर्पियो, चलिए अब बात करते हैं नवंबर महीने की। नंबर 11 सबसे पहले, 11 नंबर नवंबर का मास्टर नंबर है अपने आप में। लाइफ पाथ जिनका भी 11 या 22 या 33 मास्टर नंबर जिनका भी होता है, अक्सर कहा जाता है कि उन्हें कुछ स्पेशल एबिलिटीज के साथ वो लोग पैदा होते हैं। पिछला महीना जो गया है अक्टूबर का, नंबर 10, बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ, कलेक्टिवली सभी साइंस ने, नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर होता है ना, तो हम सभी ने बहुत सारी वो जो ओल्ड स्किन है हमारी उसे शेड किया है। हमारे जो घिसे पिटे विचार हैं जो कि हमारी ग्रोथ में बाधा बन रहे थे, कुछ लोगों ने उसे भी लेट गो किया है, उनसे भी अपना पीछा छुड़ाया है, मन को निर्मल किया है। वो जो कंप्लीशन होती है उससे कैसे महसूस होता है, जब भी कुछ हम पूरा कर ले, वो कहते हैं ना कि चैन की सांस। तो पिछला महीना ऐसा रहा है कलेक्टिवली, स्कॉर्पियोज के लिए भी रहा होगा। ये महीना अब क्या कहता है मेरी जान, ये महीना कहता है नए पोर्टल्स खुल रहे हैं, क्योंकि एक जब कंप्लीशन होती है तो फिर न्यू बिगिनिंग भी होती है ना। तो ये जो न्यू बिगिनिंग हो रही है इसमें नए पोर्टल्स खुल रहे हैं सभी के लिए, रोशनी से भरे हुए नए पोर्टल, नए दरवाजे, वो नई चुनौतियां जो हैं आपको नया कुछ सिखाने के लिए आपके जीवन में आएंगी, नए लोग आ सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं आपके, कई कुछ नई उमंगें जाग सकती हैं। अगर आपने कभी जीवन में भी नहीं सोचा होगा ना कि मैंने, आपने कुछ लिखना है, कुछ राइटर बनना है, वो ऐसे ख्याल जो है वो आपके मन में इस महीने में आ सकते हैं। कुछ नया करना, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज का आना, और वो चाहे उसमें नफा नुकसान ढूंढने की बजाय उसमें एक्साइटमेंट को ढूंढना, इस महीने ये सब कुछ चलेगा। अब देखने वाली बात स्कॉर्पियोज के लिए यहाँ पर ये है कि ये इस नए पोर्टल में कौन सा मैजिक क्रिएट करते हैं। खास करके स्कॉर्पियोज को मैं क्यों कह रही हूँ ये बात, स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है जिसमें मिस्टीरियस मिस्टिकल पावर्स जो हैं वो कुदरती तौर पर होती हैं। डार्क सब्जेक्ट्स जो होते हैं इनमें रुचि इनकी सबसे ज़्यादा होती है बाय द वे, तो उसकी वजह से ना देखने वाली बात यही रहेगी कि आप इस महीने जो भी आपकी तरफ भेजा जाएगा डिवाइन की तरफ से, या फिर आपके कर्मा की वजह से जो भी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, आपका उसको लेकर इमोशनल रिस्पॉन्ड क्या है, इमोशनल रिएक्शन क्या रहेगा आपका इस महीने किसी भी सिचुएशन को लेकर, वही ये महीने की जो ऊर्जा है वो डिटर्मिन करेगी आपके लिए। स्कॉर्पियो, मैजिक क्रिएट करना है, मैजिक क्रिएट कीजिए इमोशनल रिएक्शन में। अगर आपको वो लो वाइब्रेशन में जाना है तो वो भी आपकी चॉइस है मेरी जान, लेकिन मैजिक क्रिएट करने की यहाँ बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे अपनी ही क्षमता जो भी अभी तक आपने सीखा है इस 10 महीने में, अपनी क्षमता की परीक्षा खुद लेना, कोई नहीं ले रहा, आप खुद अपने आप को उस मैदान में लेकर जा रहे हैं कि चलो देखता हूं मैं कि अब तक मैंने जो सीखा है क्या उसका दरअसल कोई असर भी है मेरे पे। माने कि पूरे 10 महीने में मान लीजिए कि आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश की है ना, आपने गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की है, तो इस महीने आप जानबूझकर अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको उत्तेजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखने वाली बात यहाँ ये होगी कि क्या आप रिएक्ट करते हैं, क्या आपको गुस्सा आता है, या फिर आप अपना शांत रहते हैं। माने कि जो आपने सीखा है क्या उसकी परीक्षा में आप खरे उतरेंगे या नहीं होंगे। स्टार एंड द एयर ऑफ कप्स, लुक,
वही कि वो जो हीलिंग करके आपने खुद को उस ग्रोथ से जिसमें उस सिचुएशन से जिसमें कोई ग्रोथ नहीं थी वहां से अगर आपने मूव ऑन किया है, क्या दरअसल आपने मूव ऑन किया है कि या सिर्फ दिखाने को किया है? तो वो इस महीने वो रहेगा स्कॉर्पियो। रिलेशनशिप में भी अगर आपको ऐसे शख्स के साथ दिक्कत है जो कि ऑन ऑफ रिलेशनशिप में है, आपको कम्युनिकेशन नहीं दे रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा, और आप जो है एक वक्त पर आपकी अवेकनिंग होगी कि हाँ भाई ये नहीं दे रहा मुझे कमिटमेंट और मैं इसका पीछा छोड़ रहा हूँ, अब वो शख्स हो सकता है इस महीने वापस आ जाए। अब देखने वाली बात है कि वो जो फाइनल डिसीजन आपने लिया था क्या आप उस पर खड़े उतरते हैं या फिर अपना फिर से मन पसीज कर दोबारा से उस शख्स के साथ चले जाएंगे। और वो शख्स तो वही करेगा, वो शख्स तो नहीं बदला है, वो शख्स वही करेगा। मैंने क्या कहा, मैजिक और कर्मा दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी स्कॉर्पियो। थैंक यू। टू मोर टाइम्स, वन मोर टाइम। शून्य, थैंक यू, यस, फॉर स्कॉर्पियो। स्ट्रेंथ, लुक, मैंने गुस्से की ही बात की थी, गुस्से को टेम करना तो आपने सीख लिया, अपने गुस्से पर, अपनी इम्प्योरिटीज पर, वो चीजें जिन्होंने आपको पास्ट में दिक्कत दी हैं, गिल्ट से कुछ लोग जूझ रहे होंगे शायद, वो कुछ भी जिसने आपको दर्द देने की कोशिश की और आपने उसे हील करने की कोशिश की, आपने उसे उस पर फतेह हासिल कर ली है। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या इस महीने आप ये जो भी चीज़, जो भी पावर आपने साधा है, जो भी हासिल की है, क्या उसको आप इम्प्लीमेंट करने में भी काबिलियत रखते हैं या नहीं। वो प्रैक्टिकल वर्क, ये आपने थ्योरी तो सीख ली, चैप्टर पढ़ लिया, किताब पढ़ ली, एग्जाम भी पास कर लिया, अब जो जीवन में वो उसे इम्प्लीमेंट करना कि हाँ जो सीखा है उसे मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मुझे उसमें मैजिक मैं क्रिएट कर सकता हूँ। स्ट्रेंथ, जो नॉलेज मेरे पास है क्या वो नॉलेज दरअसल मेरी हेल्प कर रही है कि या सिर्फ मैं पढ़ने को पढ़ रहा हूँ और क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आ रहा है, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें जो हैं इस महीने स्कॉर्पियो आने वाली हैं आपके लिए। टेन ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग शादी के बारे में बहुत सोच रहे हैं स्कॉर्पियो, शादी, ब्याह, रिलेशनशिप, बच्चे, कुछ लोगों के लिए पेट कोई खरीदना चाहते हैं, कोई कंपेनियनशिप चाहते हैं, लॉयल कंपेनियनशिप। कुछ लोगों के लिए ये दूसरों के साथ नहीं, शायद खुद के साथ भी हो सकती है कि आप अपने आप के साथ कैसे समय स्पेंड करते हैं जब आप अकेले होते हैं, क्या करते हैं आप, कौन सी प्रोडक्टिव चीजें करते हैं, ये सब चीजें। देखिए जो लोग तो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, इस महीने में ना कोई भी बुलशिट जो है अपने पार्टनर से आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहली बात। माने कि इस महीने आपके पर्सन ने कुछ भी ऐसा तैसा करने की कोशिश की, कुछ भी स्नीकी करने की कोशिश की, आप उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है इस महीने वो है टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स माने कि अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए मुझे, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे कोई फालतू की टेंशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हकीकत में आप क्या करेंगे मेरे साथ, मुझे अच्छे से प्यार देंगे कि नहीं देंगे। और अगर उस शख्स ने नहीं दिया तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करने वाले इस महीने। ये वो ऊर्जा है कि हाँ मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं अच्छा रहूंगा, नहीं करोगे तो फिर तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, तुम मुझे दर्द दिया है तो तुम भी तैयार रहो। लेकिन अगेन यहाँ पर ये स्ट्रेंथ भी है ना कि आप कितनी इमोशनल रिएक्शन क्या है आपका, या तो आप बहुत गुस्से से भर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है मैं वॉक अवे कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये, अगर तुम मुझे नहीं दे सकते हो तो मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है कि मैं यहाँ से मूव ऑन कर सकूँ। एट ऑफ सोर्ड्स, इसकी तो मैंने उम्मीद नहीं की थी इस महीने स्कॉर्पियोज के लिए। ये कुछ लोगों की पास्ट एनर्जी भी हो सकती है स्कॉर्पियोज। एट ऑफ सोर्ड्स, स्टक एनर्जी,
कि पता ही नहीं है करना क्या है जीवन के साथ। ये दरअसल हकीकत में नहीं हो रहा, ये जो भी ख्याल है आपके मन में कि मुझे पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। स्कॉर्पियोस को दरअसल जब भी ये ख्याल आता है ना, वो एक इल्यूजन होता है स्कॉर्पियोस के लिए, क्योंकि स्कॉर्पियोस को हमेशा पता होता है कि इन्हें क्या करना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अपनी अंतर आत्मा के साथ अगर कोई साइन कनेक्टेड है वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो को हमेशा पता होगा कि इन्हें क्या करना है, लेकिन क्योंकि वो ईगो जो ट्रैप है वो उसमें फंस जाते हैं कभी कभी, उसकी वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें पता नहीं है उन्हें क्या करना है। यहां पर सोल्यूशन एक ही है, दोबारा से अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्शन को आपको क्रिएट करना है। पानी क्या है? पानी जो है वो हमारा इंट्यूशन, हमारी अंतरात्मा। तो इस पानी को अगर आप, उसकी बॉडी बंधी हुई है, आंखें बंद है, लेकिन उसके पैर जो हैं वो उसको पानी के एहसास के साथ ना, पानी को फील करते 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 वो इस ट्रैप से बाहर आ सकती है, अगर वो सिर्फ पानी को फॉलो करें, माने इस इंट्यूशन को फॉलो करें। ये तलवारें उसकी चारों तरफ नहीं है, एक 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 जो साइड है वो ओपन है, माने कि एक रास्ता अभी भी ओपन है। उस रास्ते से कैसे बाहर निकल सकते हैं? सिर्फ अपनी इस पानी को फॉलो करके, माने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके। ये पोर्टल्स हैं गाइस, मैंने क्या कहा, नए पोर्टल्स हैं। इस जाल से अगर ये बाहर आ जाए तो एक नई दिशा, एक नई 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 ऊर्जा की तरफ बढ़ेगी ये औरत। स्कॉर्पियो इंटेंस, वेरी वेरी इंटेंस। चैरियट, यहां से निकली जाल, उसने बच गई वो यहाँ से, उसने अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल किया और फिर फतेह। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हैं, ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हैं, इस महीने आपकी आपके ट्विन फ्लेम से भी मुलाकात हो सकती है। ये ट्विन फ्लेम, ये एंड यांग की एनर्जी, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, कोई कम्युनिकेशन आपको आपकी ट्विन फ्लेम से मिल सकती है। कैंसर की ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है, कैंसर थोड़े से माइंड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी उनकी क्वालिटी ये होती है कैंसर साइन की, वो अपने माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वाटर साइन में सबसे ज़्यादा इमोशनल अगर कोई साइन है वो कैंसर है, लेकिन ये अपने माइंड का भी बहुत अच्छे से, दिमाग का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो भी शख्स हैं ये बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है जैसे इसकी, और जब भी ये आपके जीवन में इस महीने अगर दस्तक देता है तो बहुत माइंडफुल और बहुत ही ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो जो पैडी टॉक्स होती हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत गंभीर, बहुत ही समझदारी के साथ जो बात करते हैं लोग, वैसी कॉन्वर्सेशन आप इस शख्स के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप करियर की बात करें यहाँ पर, मुझे कोई नई जॉब नहीं लग रही यहाँ पर कि कोई नई जॉब, मुझे लग रहा है जो भी आप काम कर रहे हैं फिलहाल वो स्मूथली चलेगी चीज़ें, जैसे ये शख्स रथ पर सवार है, है ना, माने स्मूथली चीज़ें चल रही हैं, उसके हाथ में कमान है इस रथ की, माने कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाएंगी आप उसे स्मूथली अच्छे से कर पाएंगे, करियर में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, मुझे जॉब नहीं दिख रही आपके लिए, लेकिन फ्रीलांस वर्क दिख रहा है। फ्रीलांस वर्क माने कोई ऐसा काम जो कि आप कमीशन वर्क जिसे कहते हैं, है ना, कमीशन वर्क, कि आप कोई काम करके दे रहे हैं, कोई पेंटिंग बनाकर दे रहे हैं क्योंकि किसी का ऑर्डर आया, आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऐसा स्किल है आपके हाथ में जिसकी वजह से आप इस महीने पैसे कमा सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? Knight of Swords, air energy. या इस महीने आप कोई भी क्रैप, कोई भी वो ड्रामा जो है ना वो तो आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे बिल्कुल भी, आप कहेंगे ओह आई एम डन। स्कॉर्पियो तो ऐसे ही रहने वाला है इस मंथ की, आई एम डन। और यहाँ पर सिर्फ जो परीक्षा है आपकी वो यही है कि आप किस तरीके से ये कहते हैं कि आई एम डन। आपका, आपकी पर्सनैलिटी कैसे बाहर निकलेगी इस महीने, आपका जो इमोशनल रिएक्शन है चीज़ों को लेकर, तो इस महीने वो सब चीज़ें जो हैं स्कॉर्पियोस के साथ होंगी। इस महीने कोई अगर आपको बातचीत में ट्रिक करने की भी कोशिश करें, कोई जैसे
मुझे बहुत फनी विजन नजर आ रहा है, इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगी आपको। लेकिन ये जो भी, अगर कोई शख्स आपको बातों में ट्रिक करने की कोशिश करे तो आपको वो भी पता चल जाएगा स्कॉर्पियो कि ये शख्स मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, ये शख्स जो है मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो रेड सिग्नल जो है ना, आपको पहले से ही नजर आ जाएगा रेड सिग्नल। नाइट ऑफ कप्स, ऑफर्स, ऑफर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऑफर्स। लव में भी सूटर्स हो सकते हैं, हो सकता है इतनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है आपने, मन को तो साधा ही है, शरीर को भी आपने तंदुरुस्त बनाया है, अपनी बॉडी पर भी काम किया है और वो स्किन जो है ग्लो कर रही है। ये मैसेज इतना मुझे मिला है पिछले कुछ दिनों से, स्किन ग्लो। आई डोंट नो क्यों मेरे सब्सक्राइबर शायद अपनी स्किन पर काम कर रहे हैं या क्या, लेकिन जैसे कोई खूबसूरती अपनी निखार रहा है और उसकी वजह से सूटर्स बहुत हैं। लोग नोटिस करेंगे कि हाँ भाई ये तो निखर रहा है, वो दिल, उनके मन में वो इच्छा जागेगी आपके साथ दोस्ती करने की। तो ऑफर्स हैं, बहुत सारे ऑफर्स, क्योंकि यहाँ पर नाइट है तो इसमें से कुछ ऑफर्स तो जेन्युइन होंगे फॉर श्योर। अगर यहाँ पर पेज होता तब मैं कहती कि वो थोड़ी नई एनर्जी है, लेकिन नाइट के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है। हालांकि ये किंग नहीं है, किंग और क्वीन की एनर्जी नहीं है, नाइट की है, लेकिन फिर भी नाइट एक ऐसा है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, एक लॉयल पर्सन होता है नाइट। आप ही की तरह कैंसर भाई से स्कॉर्पियो, आपको हेल्प भी इस महीने बहुत मिलेगी। मैं एक यहाँ पर इन सभी कार्ड्स में हेल्प भी है यहाँ पर। यहाँ पर शेर, यहाँ पर इंद्रधनुष की ऊर्जा, माने कि एक एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पर अंतर्मन है, यहाँ पर रथ है, यहाँ पर घोड़ा है, यहाँ पर अगेन वो नहर जो है वो बह रही है, कप है। तो हेल्प बहुत है स्कॉर्पियस के लिए इस महीने। इस महीने जहाँ पर भी आप स्टक महसूस करें ना, सिर्फ आप ये कहिए अपनी आंखें बंद करके स्कॉर्पियो की प्लीज़ मेरी हेल्प करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। ये जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है आपको वो इमीडिएटली आपको हेल्प भेजेगी इस महीने स्कॉर्पियो। वेरी नाइस, वेरी इंटेंस रीडिंग स्कॉर्पियो। बादल गरजे, जैसे बादल गरज रहे हैं स्कॉर्पियो। फाइनल कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, मैच्योरिटी। आपकी मदर के साथ इस महीने बहुत आप क्लोज रहेंगे। आपके, आप में से कुछ लोगों की मदर की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, मैं उन्हें बहुत सारी तंदुरुस्त जो होने की ऊर्जा भेज रही हूँ, भगवान उन्हें जल्दी ठीक करे। लेकिन इस महीने आपके जो मदर हैं उनकी जैसे उनके साथ आपका कॉन्टेक्ट बहुत रहेगा। जिनकी ममा तारा बन गए हैं, फरिश्ता बन गए हैं, उनको भी इस महीने अपनी मदर के साथ ज़्यादा कनेक्शन फील होगा। इमोशनली कनेक्शन फील करने के लिए इंसान का आपके सामने होना जरूरी नहीं है, इमोशंस, ऊर्जा, इमोशंस। तो मम्मी की ऊर्जा है यहाँ पर, माँ की ऊर्जा है। आप में से कुछ लोग को रिश्ते आ रहे हैं बहुत सारे, और आपकी मदर बहुत ध्यान रखेगी उन रिश्तों पर। सबसे ज्यादा आपकी मदर ध्यान रखेगी कि ये शख्स आपके लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अगर आप अपने पार्टनर के बारे में अपनी माँ को बताएंगे तो वो बहुत गहराई के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ उस शख्स को परखेंगी। परीक्षा लेना, आपके पार्टनर की परीक्षा ली जा सकती है इस महीने आपके परिवार वालों की तरफ से, खास करके आपकी माँ की तरफ से। मैं एक और एक्चुअली डेक यूज करना चाहूंगी, द स्टार सीड ओरेकल। बेइंतहा खूबसूरत डेक है इसका, इसकी पैकेजिंग बहुत शानदार है मेरे ख्याल से। रेबेका ने बहुत अच्छा काम किया है इस डेक पर, तो इसको भी देखते हैं। चलिए, स्कॉर्पियो, संध्या का समय। आप में से कुछ लोग अगर 9 to 5 जॉब में है तो आपको एक ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि 9 to 5 जॉब के बाद घर आए, खाना खाया, रिलैक्स किया, नहीं ये मत कीजिए। इस महीने वो भी कीजिए जो आप शुरू से करना चाहते हैं। अगर आप 9 to 5 जॉब से खुश नहीं है तो वो कौन सी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं स्कॉर्पियो।
वो कौन सी चीज़ है। अगर आप अपना बिजनेस चाहते हैं तो उसके लिए स्टडी कीजिए। 9 to 5 जॉब के बाद जो समय बचता है उस समय के दौरान आप अपने जीवन के साथ क्या करेंगे इस महीने में, वो भी आपके 2021 को उसकी ऊर्जा को निर्धारित करेगा, उसके उसकी फाउंडेशन रखेगा। ये 2 महीने हैं। आई डोंट नो, आप कुछ शायद बड़ा सोच रहे हैं स्कॉर्पियो, कुछ बड़ा सोच रहे हैं। मुझे अपनी ऊर्जा को बचाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बाकी के साइन भी रीड करने हैं, है ना, तो मैं अपनी पूरी ऊर्जा आपके ऊपर नहीं खर्च सकती। हालांकि मेरा सबसे फेवरेट साइन स्कॉर्पियो ही है, मेरा दिल का रिश्ता जुड़ा है स्कॉर्पियो लोगों के साथ। लेकिन कुछ है यहाँ पर, संध्या का समय बहुत नजर बता रहे हैं वो मुझे, संध्या शाम का समय, जब 9 to 5 जॉब के बाद वो जो समय बचता है, कुछ लोग हैं वो काम से जब आते हैं घर वो बाकी का समय टीवी देखते हैं, फोन पर रहते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे इस महीने, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियो। बिग पिक्चर थिंकिंग आपके सामने शफल किया, प्ले दिस एनर्जी विजनरी इंस्पायर्ड आइडियाज। लुक मेरी जान, देखो स्पिरिट कैसे काम करती है। बिग पिक्चर थिंकिंग, क्या करना है आपको 2021 के लिए, कौन सा विजन है आपके लिए, या आने वाले 5 सालों के लिए कौन सा विजन है आपके लिए, आप अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हैं आने वाले 5 सालों के लिए। जिनके पास तो ऑलरेडी प्लान है वो इस संध्या का समय, अगेन इवनिंग टाइम में अपने उस आइडियाज़ पर ज़्यादा काम कीजिएगा, वो ऊर्जा आपके आपके पास रहेगी, अवेलेबल रहेगी। और जिन्हें नहीं पता है कि उनको क्या करना है, तो स्कॉर्पियो ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, तो बैठकर उस पर भी प्लान बनाइए। बिग पिक्चर थिंकिंग, बड़ी बड़ी सोच, छोटी छोटी चीज़ों पर एनर्जी लगाने से, इमोशनल अपना रिएक्शन देने से अच्छा है कि अपनी ऊर्जा को सेव करके बड़ी ऊर्जा, बड़ी पिक्चर को देखिए, समझिए, प्लान क्रिएट कीजिए अपने लिए, विजन क्रिएट कीजिए अपने लिए। विजन बोर्ड आप में से कुछ लोग बना सकते हैं इस महीने के दौरान, वो भी मैजिक करेगा 2021 के लिए आपके लिए। Water your garden. Nourishment, body care, tenderness and rest. Rest. ऊर्जा को बचाने के बारे में कहा जा रहा है। एक तो होता है हम बोले जा रहे हैं, एक होता है हम काम करे जा रहे हैं, एक है हम सोए जा रहे हैं, एक है खाए जा रहे हैं, लेकिन ऊर्जा को यहाँ पर बचाने की बात की जा रही है। अपनी ऊर्जा को किस तरीके से आपको बैलेंस में रखना है, जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलिए, जहाँ जब जब सोने की ज़रूरत है तब सोइए, जब जागने की ज़रूरत है तब जागिए। नरिशमेंट, नरिशमेंट, सिर्फ अपनी बॉडी का ही ध्यान नहीं रखना है। अगेन स्कॉर्पियोज के लिए बार बार मैसेज हमेशा अनंत ही रहेगा मेरे ख्याल से, अपने दिमाग का भी, क्योंकि इंट्यूशन के साथ तो आपका सबसे गहरा रिश्ता है, तो उस मसल को भी आपको ध्यान में रखना है, उसको भी खुराक देनी है, उसको भी संभालना है आपको। और इस महीने में अगेन आप में से कुछ लोगों को स्पिरिचुअल बात लेने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल बात समझते हैं ना आप, औषधियाँ जब हम मिक्स करते हैं वाटर में, या कोई एसेंशियल ऑयल हो सकता है, कोई फ्लावर जो है वो आप उसमें डाल सकते हैं, अगरबत्ती लगाइए जहाँ पर, यू नो, वो सारा माहौल क्रिएट करिए एक स्पिरिचुअल बात, ताकि आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करें, अपनी ऊर्जा को बचाएं। आप में से कुछ लोगों के इर्द गिर्द जो एक ऊर्जा रहती है, 3D रियलिटी से नहीं बात कर रही हूँ, 5D रियलिटी से, माने कि जो दिखती नहीं है, कैसी स्पिरिट, वो आपके साथ इस महीने, जब भी आप पानी के करीब रहेंगे, अगर आप कोई स्नान कर रहे हैं या फिर आप पानी के पास हैं, तो वो ऊर्जा जो है वो आपके साथ कनेक्शन क्रिएट करेगी इस महीने के दौरान। ये जो भी स्पिरिट है, आई डोंट नो ये कितने लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जब भी आप पानी के करीब होते हैं आपको कोई ऐसी अनुभूति होती है कि कोई स्पिरिट है आपके साथ, तो ये मैसेज आपके लिए है। मैं आपका फाइनल टैरो कार्ड देखूंगी। यस प्लीज,
Scorpio. Thank you so much. Five of Pentacle, lack mentality. यहाँ पर lack mentality जो है वो सिर्फ आपका subconscious, एक कोई ऐसा subconscious block हो सकता है Scorpio, जिस पर आपको इस महीने में पर भी काम करने की जरूरत है. नया पोर्टल खुल चुका है, जैसे मैंने कहा ये 11th मंथ है, राइट, नंबर 11, तो नया मंथ आपके लिए खुल चुका है. वो जो स्किन शेड करने की जरूरत है उसकी, वो जो भी बचा है उसको भी आप अपनी नए पोर्टल में साथ लेकर जा रहे हैं, या उस स्किन को आप वहीं पर छोड़ रहे हैं. ऐसा कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक भी आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, कहीं उसके साथ ना मोह जाग जाए आपकी, आपकी जो पुरानी स्किन है कहीं उसके साथ मोह ना जाग जाए आपका. लैक मेंटेलिटी को कहीं पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन शायद वो कहीं मोह ना जाग जाए कि इसको भी मैं साथ लेकर जाऊँ. नहीं, उसको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है इस महीने. It's all good, Scorpio. Listen, it's all good. ये कार्ड्स के जो ट्रैप्स होते हैं उसमें फंसने की कोशिश मत कीजिएगा. ये ऊर्जा जो कि हमें ट्रिक करने के लिए होती है, हमारी माइंड की तरफ से वो ब्रह्मास्त्र भेजा जाता है, उससे ट्रिक होने की कोशिश मत कीजिएगा. जो भी सीखा है इस महीने आपने, आने वाले जो पिछले 10 महीनों में आपने सीखा है, उसको व्यर्थ में मत जाने दीजिएगा. खुद को साबित करने की पूरी कोशिश कीजिएगा. अपनी पर्सनालिटी में जो भी आपने ऊर्जा भरी है ना, उसमें उसको डाउन नहीं जाने देना. अभी अभी बस आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना. जो हो गया सो हो गया. और जब भी स्टक महसूस करोगे मेरी जान, 5 नंबर बदलाव का भी होता है, जब भी आप खुद को स्टक महसूस करें स्कॉर्पियो, आपको क्या करना है, सिर्फ आंखें बंद करनी है और कहना है कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए. वो स्पिरिचुअल टीम आपकी हेल्प करेगी, वो ज़रूर करेगी. या मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप भी देखने वाला मज़ेदार मंथ है स्कॉर्पियोस, एक्चुअली मज़ेदार मंथ है. मैं देखूंगी, मैं वीकली रीडिंग्स भी करूंगी, तो मैं ज़रूर आप सभी के मैसेजेस भी, कमेंट्स भी रीड करती जाऊंगी, और मैं देखूंगी कि क्या चल रहा है कलेक्टिवली स्कॉर्पियोज. ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में भी. और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, दूसरों को भी खुश रहने देंगे इसी तरीके से. और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस. तब तक के लिए बाय बाय.